रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डिप्टी डायरेक्टर देवेंद्र झा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद वैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपी पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट केस दर्ज करने की गुहार लगाई थी, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी ने बरहड़वा टेंडर केस से जुड़े तथ्यों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने पीएमएलए कोर्ट को यह भी बताया है कि झारखंड पुलिस ने साहिबगंज जिले के बरहड़वा टोल प्लाजा टेंडर केस उन्हें क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट में पंकज मिश्रा की याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई, जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों की बसा को सुनाने बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने तथ्य छुपाए हैं, जबकि ईडी के अधिवक्ता ने पंकज मिश्रा की याचिका की मेंटिबिलिटी पर सवाल उठाया था। इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पक्ष रखा, वहीं पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और अधिवक्ता राजेश कुमार ने पक्ष रखा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।